यमुनानगर पिछले 5 दिन से लघु सचिवालय पर चल रहे किसानों के धरने के ऊपर आज यमुनानगर से कांग्रेस प्रत्याशी निर्मल चौहान अपना समर्थन करने के लिए पहुंची। इस मौके पर उनके साथ पार्टी के अन्य नेता भी मौजूद रहे व सोशल मीडिया प्रभारी वसीम दाऊदी भी इस मौके पर उनके साथ रहे। धरने पर पहुंची कांग्रेस नेत्री निर्मल चौहान ने किसानों को विश्वास दिलाया कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से उनके इस धरने का समर्थन करती है और इनकी इस लड़ाई में वह कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ उनके हक की लड़ाई लड़ने का काम करेगी। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि हर बात पे कानून बनाए, जो सरासर गलत है। अगर वो चाहते हैं कि एमएसपी में लागू रखना है तो उसमें कानून बनाना होगा उनको और रिटर्न में देना होगा, तभी किसान सहमत होंगे। ऐसे कौन मानेगा? अनाज मंडी आरती के संयोजक होने नाते मैं लगातार उनके धरने में और उनके सारे इस आंदोलन में उनके साथ रहा, चाहे वो ट्रैक्टर रैली थी, चाहे वो मोटरसाइकिल रैली थी, धरना प्रदर्शन था, या अब जो 15 से 19 तक हड़ताल चल रही है, कल जो 20 वाली रोड जाम का है, तो मैं लगातार उनके संपर्क में साथ रहा। सरकार और किसानों की सहमति इसलिए नहीं रही क्योंकि आज बीजेपी या बीजेपी का जो मेन है मोदी साहब, उन पर से लोगों का विश्वास खत्म हो गया। तब तक हमारा एमएसपी का और आढ़तियों की जो आगे टर्म्स एंड कंडीशंस इस ऑर्डिनेंस में उन्होंने ली हैं उनको वापस लें, या फिर स्टेट गवर्नमेंट अपने विधानसभा सत्र को बुला के उसमें इसको दुरुस्त करें। सरकार इस टाइम सत्ता के नशे में टूट रहा है, बिल्कुल तानाशाही पे उतर रही है, धीरे धीरे हमारे हर उस पर प्रहार कर रही है। पहले अर्थव्यवस्था पे खराब है, जैसे नोटबंदी करी, जीएसटी लगाई, अब हमारे रीढ़ की हड्डी किसानों पर प्रहार कर रही है। जैसा आपने देखा आढ़ती किसान, ये हमारी मंडियाँ जो हैं हरियाणा पंजाब में ये मंडियाँ का सिस्टम है और उसमें सबसे उन्नत सरकार है, किसान है, इनको सबसे ज़्यादा हमारे प्राइस मिलता है जो फसलों का है, इसी को सरकार खत्म करने पर टूटी अपने तानाशाही करके। अगर उसको मंडियों में कुछ कमी लगती है उनको सुधारे, उसके बजाय वो पूरा सिस्टम खत्म करके पूंजीपतियों के हाथ में देने वाली है। इन किसी के खिलाफ जो हमारे किसान भाई कर रहे हैं उसका समर्थन करने के लिए मैं यहाँ आज जगह स्तर पर हूँ, क्योंकि मैं खुद एक किसान की बेटी हूँ, उस समस्या को बहुत बेहतर जानती हूँ कि आड़ के किसान का क्या रिश्ता है।